छिंदवाड़ा और जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ सिवनी में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने एहतियातन सिवनी की सीमाएं सील कर दी हैं और सभी जगह चेकिंग की जा रही है। सिवनी कलेक्टर ने चेक पोस्ट सहित अन्य जगहों पर औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। छिंदवाड़ा समेत जबलपुर जिले में कोरोना की दस्तक से सिवनी जिले में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्रशासनिक अमले के साथ धूमाबन जारी, चेक पोस्ट गेहूं खरीदी केंद्र नागन देवरी, चेक पोस्ट छिरारू सहित संपूर्ण क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। धूमा गोटेगांव बाईपास पर साइकिल द्वारा हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जा रहे मजदूर यात्रियों की सुरक्षात्मक जांच की गई और उन्हें मास्क एवं 1000 रुपए सहयोग के तौर पर दिए गए। धूमा प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा किराना सामग्री सहित अन्य जरूरत की चीजें भी दी गई। गौरतलब है कि सिवनी में अभी तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। सभी के सहयोग से लगातार कोशिश है कि किसी भी प्रकार का केस सिवनी में ना आ पाए, और जितने भी हमारी चेक पोस्ट है वहाँ पर भी हमारी टीमें काम कर रही है। जिले को लगभग 12 मेजर चेक पोस्ट और लगभग 25 से 26 जो है माइनर चेक पोस्ट, सभी के माध्यम से जिले को सीलबंद करने का काम किया गया है। और अधिकांश जगह से आने वाले जो लोग हैं, जो कहीं से बाहर से आ रहे हैं, कहीं पर भी आ रहे हैं, उसको ग्राम पंचायत में भी और चेक पोस्ट में भी पूरा डाटाबेस मेंटेन किया जा रहा है। गूगल सीट के माध्यम उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो गांव में आ रहा है उसकी अगले 14 दिन तक स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाती है कि उसको कोई कोरोना से संबंधित लक्षण तो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें, सारी कवायद इसी बात पे चल रही, हम लोग सतर्क रहें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।